हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम इस वीडियो में एसीबी एयर सर्किट ब्रेकर के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन बताने जा रहे हैं। हमारे यहाँ पे दो तरह के ब्रेकर लगे हुए हैं, एक एलएनटी का और दूसरा है स्नाइडर का। जैसा कि आप सभी को पता है कि एसीबी किस काम आता है, ये लो वोल्टेज साइड में लगा होता है। जैसा कि आप सभी लोगों की जानकारी के लिए, जो हम एसीबी है उसे हम यूज करते हैं लो वोल्टेज साइड में, और इसका काम होता है कि जैसे पीछे से कोई फॉल्ट हो, ओवर करंट हो या कहीं शॉर्ट सर्किट हो, तो उस केस में यह ट्रिप कर जाएगा और हमें एक सेफ्टी प्रोवाइड करता है। तो इसके अंदर दो कॉन्टैक्ट्स होते हैं, एक फिक्स्ड कॉन्टैक्ट होता है, एक दूसरा मूविंग कॉन्टैक्ट होता है। और जब हम इसे क्लोज करते हैं तो दोनों कॉन्टैक्ट एक दूसरे से टच करते हैं और हमारा ब्रेकर लग जाता है। और जैसे ट्रिप करते हैं तो दोनों एक दूसरे से अलग होते हैं, उसके कारण इसके अंदर एक आग और आग प्रोड्यूस होती है, वो आग क्विंच हो जाती है आग शूट के कारण। तो इस तरह से एसीबी काम करता है। इस वीडियो में हम आपको स्नाइडर, इसका मॉडल नंबर है MV S0A10, ये हमने यूज किया हुआ है डीजी के बस कपलर में, हम इसको रैक आउट और रैक इन करके दिखाएंगे कि हम स्नाइडर का कैसे रैक आउट कर सकते हैं और कैसे रैक इन करेंगे। सबसे पहले हम इसको आके यहाँ पे ट्रिप करेंगे, ये ऑलरेडी ट्रिप है। उसके बाद हम इसके पैनल अनलॉक करेंगे, इसके बाद यहाँ पे इसका ये हैंडल दिया हुआ है, इस हैंडल को हम यहाँ पे एक होल है, होल के अंदर डालकर सेट करेंगे और इसको हम एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे। ये बड़े ही आराम से धीरे धीरे बाहर आने लग रहा है, इसमें बिल्कुल एफर्ट करने की जरूरत नहीं है, ये बहुत ही आसानी से घूम रहा है। इसके बाद आप देख रहे हो धीरे धीरे आ ही रहा है बाहर। अब इसके अंदर ये जो बटन दिया हुआ है ये बाहर आ गया है, हम इसको फिर से एक बार प्रेस करके फिर इसको एंटी क्लॉकवाइज दबाएंगे। अब ये पूरा बाहर नहीं आया हुआ है, अब इसको फिर से घुमाते रहेंगे। अब ये ए सर्किट ब्रेकर देखो, आप देख सकते हैं ये थोड़ा सा बाहर आ गया है यहाँ से। अब इस हम हैंडल को दोबारा उसी होल में डाल देंगे जहां से निकाला था, और उसके बाद यहाँ पे ये बटन दिया हुआ है इस साइड में भी और इस साइड में भी। अब इन दोनों को दबा के हम इसको बाहर रैक आउट कर लेंगे, खींच लेंगे जैसे इस वीडियो में दिखाया जा रहा है। इन दोनों को दिखाया और ये आसानी से ए सर्किट ब्रेकर बाहर आ गया, ये देखो। अब जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हो, अभी बस इतना ही आएगा। अब इसके अंदर हमें कोई मेंटेनेंस करनी हो, कोई सर्विस करनी हो, कोई पीपीएम करना हो, तो हम इसको आसानी से बाहर निकाल के कर सकते हैं। अब इसी वीडियो में दिखाने जा रहे हैं कि इसको हम दोबारा रैक इन कैसे करेंगे। तो उसके लिए सेम प्रोसीजर, इसको पहले हाथ से हम धक्का दे के दबा के बटन को थोड़ा सा धक्का दे के जितना जा सकता है फिट कर दिया, उसके बाद वही हैंडल वहां से निकालना है और उसमें लगाएंगे। ये हमने दोबारा हैंडल उसी होल में लगा के इसे हम क्लॉकवाइज घुमाएंगे और धीरे धीरे घुमाते रहेंगे जब तक इसके अंदर ये पूरा प्रॉपर फिट ना हो जाए। हम इसे घुमाते रहेंगे और ये पुश करना है बटन साथ में, जो यहाँ पे बटन दिया हुआ है इसको यहाँ पे पुश भी करना है साथ के साथ। अभी पुश करते ही फिर से दोबारा घूमने लग गया है, उसको जब तक घुमाना है जब तक ये पूरा प्रॉपर अंदर फिट ना हो जाए। ये देखो, अब ये पूरा प्रॉपर इसके अंदर बैठ चुका है और यहाँ पे आप देख सकते हो, अगर आपको देख पा रहे हो तो इसके अंदर अभी लाइट ना होने के कारण देख नहीं पा रहे हम, नहीं तो इसके अंदर यहाँ पे सर्विस मोड, अटैच मोड, हर चीज दिखाई दे रही है। अब ये प्रॉपर फिट हो चुका है, अब हैंडल को हम दोबारा वहीं पर लगा देंगे और पैनल का कवर फिर से बंद कर देंगे।
और अभी ये सीवी दोबारा यूज करने के लिए तैयार है। अब हम आ गए हैं एलएनटी के मॉडल नंबर CN CS 1000S1। अब ये एलएनटी का सर्किट ब्रेकर है, इसके अंदर ये इसका चार्जिंग हैंडल है, ये ऑलरेडी चार्ज है। यहाँ पे इसके ट्रिप और क्लोज करने के लिए बटन दिया और एक दोनों का कवर है। यहाँ पे रिले सेटिंग है, इसके अंदर हम ट्रिपिंग टाइम, जैसे फॉल्ट आ गया कोई तो कितने सेकंड में बंद होना चाहिए, ये ट्रिपिंग टाइम सेट कर सकते हैं। ओवर करंट के लिए भी, अर्थ फॉल्ट के लिए भी है। तो अब सबसे पहले हम इसको यहाँ पे ट्रिप करेंगे, ये भी ऑलरेडी ट्रिप है। इसके बाद हम इस पैनल को खोलेंगे, खोलने के बाद इसके अंदर यहाँ पे रैक आउट करने के लिए हैंडल दिया हुआ है। इस हैंडल को यहाँ पे होल में लगा के इसको भी हमें एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है। एलएनटी के ब्रेकर को रैक आउट करना बहुत ही आसान है, इसमें कुछ ज़्यादा मैकेनिज्म नहीं है, इसमें सिंपल इसको हैंडल को घुमाते रहना है और ये धीरे धीरे करके बाहर आता रहेगा। इसमें कोई फोर्स नहीं लगाना है, ये बहुत ही ईजी वर्क है। जैसे देख रहे होंगे आप, धीरे धीरे साइड से बाहर आ रहा है धीरे धीरे। अब यहाँ से बाहर आ चुका है और यहाँ पे इसमें मोड भी दिया हुआ है, आइसोलेट सर्विस मोड। जब हम रैक इन करेंगे तब आप उसको मोड को दोबारा दिखाता हूँ आपको मैं। अब इसको पकड़ के हम वैसे ही बाहर की तरफ खींचेंगे जैसे हमने स्नाइडर के केस में किया था और हैंडल को दोबारा वहीं लगा देंगे। और एसीबी को पकड़ के हम बाहर की तरफ खींचेंगे। अब ये देखो हम इसको आराम से ये बाहर की तरफ फुल करना है, ये इजीली बाहर आ गया है। अब ये भी मेंटेनेंस मोड के लिए तैयार है और इजीली हम इसमें मेंटेनेंस पीपीएम कुछ भी कर सकते हैं। अब इसी को दोबारा हम रैक इन करके देखते हैं, तो इसमें भी सेम इसको धीरे धीरे अंदर की तरफ पुल करना है। ये लो, अब इसके बाद दोबारा वही हैंडल से हम इसको क्लॉकवाइज घुमा के दोबारा रैक इन कर देंगे। अब ये धीरे 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 आप देख पा रहे होंगे, ये देखो धीरे धीरे अंदर की साइड जा रहा है। ऐसे ऐसे करके धीरे धीरे अपने आप अपनी जगह प्रॉपर जगह भी फिट हो जाएगा। इसके अंदर कोई भी जल्दबाजी नहीं करनी है। ये लो, अब ये प्रॉपरली जा चुका है और आपको यहाँ पे मैं दिखाता हूँ। तो पहले मैंने दिखाया था कि अब ये सर्विस मोड पे आ गया है। जब हमने इसे बाहर कर दिया था तो ये आइसोलेट मोड पे था, अब ये सर्विस मोड पे आ चुका है, इसलिए अभी यूज करने के लिए रेडी है। अब इस पैनल को हम बंद कर देंगे। तो इस वीडियो में हमने एलएनटी और स्नाइडर के दोनों वीडियो को रैक इन और रैक आउट करना दोनों दिखाया है। तो थैंक यू गाइस, सब्सक्राइब माय चैनल।